आगे बढ़ता देश हमारा, आओ इसे महान बनाएं। सुंदर सड़कें, नदियां, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय स्वाभिमान, हम कविता ही नहीं करते, कार्य भी करते हैं। हम कल्पना ही नहीं करते, हम कार्यों को अंजाम भी देते हैं। नमस्कार, मैं सुधा, आप देख रहे हैं अलाइव 24। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि विसर्जन छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में किया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का इस राज्य से खासा लगाव रहा है। इस पर सिंधी साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष अमित जीवन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस कविता को दोहराया है जिसकी सराहना अटल बिहारी वाजपेयी ने कोरबा के एक सभा में की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कविता को अपनी मेज पर 6 महीने लगा कर रखा था। बचपन से काव्य कविता का शौक रखने वाले सिंधी साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष अमित जीवन को उनकी कविताओं से लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए एक कविता मुख्यमंत्री नंबर 1 लिखी जिसे उन्होंने खूब सराहना की। विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ दौरे में रही सुषमा स्वराज के लिए वंदन अभिनंदन आपका आप हमारे रमन को जिताए आई है कविता लिखी। उन्हें ये कविता इतनी पसंद आई कि वे अपने साथ बहुत सी कविताएं लेकर वापस गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कविता भाजपा स्टार परिवार को खूब सराहा। आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए सिंधी अकेडमी के अध्यक्ष अमित जीवन ने एक बार फिर उस कविता को दोहराया है जो प्रधानमंत्री की मेज पर 6 महीनों तक रखी थी। अपने दिल की भावनाएं आज अपने देश के सामने, अपने प्रदेश के सामने रखना चाहता हूं। क्यों अटल जी को वो पंक्तियां पसंद आई, क्यों उन्होंने अपनी कुर्सी के ऊपर ये कविता लगाई, मेरा सौभाग्य है कि मेरे दिल से जो शब्द निकले थे, मेरी जो भावनाएं व्यक्त हुई थी, शायद वो अटल जी को बहुत पसंद आई और उसी पसंद के हिसाब से उन्होंने वो कविता लगाई और मुझसे पूछा हम ले जाएं। मुझे बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है कि एक प्रधानमंत्री मुझसे पूछे। माननीय गोविंदाचार्य जी ने रात को 11 बजे फ़ोन करके पूछा अमित जीवन कौन है रायपुर में, अटल जी ने उन्होंने कविता लगाई है, प्रचारक थे जो गोविंदाचार्य जी, उन्होंने। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, ब्रजमोहन जी को, सबको ये बताई थी कि हमारे छत्तीसगढ़ की कविता माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाई है, सर हमारे छत्तीसगढ़ का गर्व है। मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा उस समय वो कविता मैंने क्या लिखी थी, उन शब्दों को मैं दोहराना चाहूँगा। अटल रहना अटल, ये था कविता का शीर्षक, अटल रहना अटल। हिंदुस्तान की फिजाएँ कुछ बदली बदली, हिंदुस्तान की फिजाएँ कुछ बदली बदली सी नज़र आती हैं, न जाने कुछ तो हो रहा है, न जाने कुछ तो हो रहा है। विरोध की मानसिकता वाले विपक्ष को छोड़ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, गांव हो या शहर, राज हो या राजधानियां, फील गुड का आभास हो रहा है। हर आम ने रख दिया है अटल का नाम आशा, अटल बन गया है सामंजस्य और विकास की परिभाषा। उत्साह से छलकते खुशियों के जाम दे रहे हैं प्रगति का पैगाम। कुछ दिन पूर्व अखबारों में एक लेख छपा था, अटल देश में ही नहीं विदेश में कितने लोकप्रिय हो गए हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अगर कल चुनाव हो जाएं, अटल वहां किसी सीट से अगर खड़े हो जाएं, अति संयोक्ति कदापि नहीं, वे वहां से भी भारी बहुमत से जीत आएंगे। चुनाव तो चुनाव, वे दिलों को भर जीत के आएंगे, वे दिलों को भी जीत कर आ जाएंगे। सुनो विपक्ष, सुनो विपक्ष, मुद्दा विहीन नकारे विपक्ष, चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे, पलों की नहीं होगी कमी, तनाही होगी, होगी फुर्सत ही फुर्सत, पढ़ लेना फुर्सत के क्षणों में तुम अटल का पैगाम, पढ़ लेना फुर्सत के क्षणों में तुम अटल का पैगाम। हम सपने ही नहीं देखते, सपनों को सच बनाना भी हम जानते हैं। देश का बढ़ता यश, प्रगति के नए सोपान, तिरंगे का मान, विश्व में बढ़ता भारत का सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, संचार, समृद्धि, हम वादे ही नहीं करते, निभाना भी जानते हैं। हम कविता ही नहीं करते, साकार करना भी जानते हैं। धन्य है ये धरा, धन्य है माँ की वो कोख जहाँ तुमने जन्म लिया, भारत का भाग्य बदलने वाले, भारत की कोटि कोटि जन की आशाओं के दीप, कवि हूँ, कवि हूँ मैं, पर मेरी कल्पना से भी बढ़कर सुंदर सरल सादगी की मूरत अटल, धन्य है पर्व रूपी वो पल जिन पलों में तुमने जन्म लिया अटल, जिन पलों में तुमने
जन्म लिया अटल। अटल आडवाणी दो बुत मगर एक जान हो तुम, अटल आडवाणी दो बुत मगर एक जान हो तुम, कहता है भारत का हर बच्चा बूढ़ा जवान, मित्र द्वय भारत की शान हो तुम, भारत की शान हो तुम। ऊर्जा से ओत प्रोत अटल, तुम्हारे तप का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। शांति के दूत नवोदय भारत के नायक, उम्र बढ़ रही है ऊर्जा भी बढ़ रही है, कहीं रुके ना भी ये कदम, इरादों पर अपने अटल रहना अटल, आशाओं के दीप अटल, अटल रहना अटल, अटल रहना अटल, अटल रहना अटल। बहुत भाग गई पंक्तियां अटल जी को कि पाकिस्तान भी जाओगे तो बहुमत से जीत के आओगे, न केवल चुनाव जीत कर आओगे वरन दिलों को भी जीत कर आ जाओगे। एक कवि हृदय ने इस दिल की बात को समझा और कविता को प्रधानमंत्री कार्यालय में कुर्सी के ऊपर लगा रखा। मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर, अपने पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर। एक छत्तीसगढ़ को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया, इतना मान सम्मान दिया, मैं उन्हें आज अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपनी एकेडमी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आगे बढ़ता देश हमारा, आओ इसे महान बनाएं। सुंदर सड़कें, नदियाँ, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय स्वाभिमान, हम कविता ही नहीं करते, कार्य भी करते हैं। हम कल्पना ही नहीं करते, हम कार्यों को अंजाम भी देते हैं।